हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रंचवर्क्स। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने छत से करी है क्योंकि आज बसंत पंचमी है, तो मैंने कहा सुबह ही सुबह पतंग तो देखना ज़रूरी है। और सुबह सुबह एक गर्मा गर्म शुरुआत हुई है, समोसा। चलिए पहले मैं समोसा इन्जॉय कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं पूरे दिन आपको बसंत पंचमी ब्लॉग दिखाऊंगी। रुक जाइए, आप में से किस किस को समोसा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो समोसा बहुत पसंद है। दो दिन से इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि क्या बताया जाए, डे और नाइट दोनों टाइम बारिश हो रही थी। पर लड़कों ने आज दुआएं मांगी तो बारिश रुक गई। मैं आपको अभी बादल दिखाती हूँ, एक भी बादल नहीं। पतंगें दिख रही है आपको? वो दिख रही है एक रेड कलर की, बहुत सारी पतंगें उड़ी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पतंगें, देखिए दिख रही है वो ब्लैक कलर की एक दिख रही है, वो रही। अभी आपको और दिखाती हूँ पतंगें। आज मैं शायद कितना व्लॉग बनाऊँ पता नहीं। मैंने दो दिन पहले व्लॉग स्टार्ट करा था पर खांसी हो रही है ना, तो इस वजह से व्लॉग में आगे कुछ बनाया ही नहीं मैंने। तो फिर इस वजह से अभी दो दिन लेट हो गया मेरा व्लॉग। अच्छा मैं आपको पहले पतंगे दिखाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पतंगे तो दिखाई नहीं, ये दिख रही है आपको पतंगे? इतनी रोल रही है। दिल की पतंग को काटे है तुझे से कटके, पता नहीं आप लोग कैमरे में सही से दिख रहे हैं। और वो देखिए 5 पतंग उड़ाने आए छत पे, जिन्हें पतंग उड़ाने का पाप ही नहीं पता। 5 पतंगे नहीं उड़ाता वो, 5 क्या था इतनी रेड है। कह रहे मैं बस देखता हूँ और लूटता हूँ। और फायदी मैं कन्ने बांध रही हूँ, कन्ने बांध दिए मैंने ऑलरेडी। और अब मैं तागा मंजे भाई की चुराई हुई चरखी से मंजा चुरा रही। चोर है चोर भाई की, नोट चुराई भी नहीं है, मतलब भाई मतलब भाई की तो है लेकिन भाई से इन्होंने चुरा ली है। ओके अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ऊंची मैं पतंग कर लेती हूँ। घंटा ऊंची हो रही, नॉट घंटा नहीं, देखिए जल्दी उड़ाओ, पब्लिक देख रही तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौटंकी तुम्हारी कब तक रहेगी? नौटंकी नमन कितनी तेज उड़ेगी तो पतंग? यार छुड़ाई दो, छुड़ाई 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 कौन देगा? वीडियो शूट तुम करे, छुड़ाई भी हम दे। अब कह रहा छुड़ाइया देंगी इन्हें आयशा। समन ने भाई से पतंग तो ऊंची करवा ली लेकिन उनसे उड़ाई नहीं जा रही है। आई मैं आपको उनका फेस दिखाती हूँ कैसे कैसे कर रही है वो। तुमने जरूर रुचि करी, अभी दिखाती हूँ उसकी पतंग में आपको। चलिए अब हम पतंगे लूटते हैं, दिख रही आप? एक तो हमारे घर में ये पेड़ है इतना बढ़िया, इसकी वजह से आधे आधे पतंगे इसमें हिलक के वो फट जाती है लेकिन हमें नहीं मिल पाती है। और मुझसे हाथ से तो इतनी ऊंचाई से पकड़ी नहीं जाएंगी, तो मैंने ये जुगाड़ लगाई है डंडा, हम डंडे से पतंगे लूटेंगे। और फाइव भाई थक के बैठ गए, मैं आपको दिखा दूँ, दिख रहा है फाइज भाई? फाइज भाई थक के बैठ चुके हैं, कह रहा है अब भैया पतंगे हमसे नहीं उड़ पाएंगी, हम थोड़ी देर आराम करें। चलिए और हम पतंगे लूटे। और हवा चलने लगी ठंडी ठंडी, तो मैंने सर से दुपट्टा कर लिया ताकि ठंड से भी बचे रहना। और ये मैंने लारे भाई की चरखी ले ली, लारे भाई पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो मैंने लारे भाई से चरखी ले ली, हम चरखी करेंगे। और लोग कहते गैया वो छोटी छोटी बना लेते, गाय कहते गाय, सॉरी गैया नहीं कहते, गैया तो गाय को कहते। और हम अपनी गाय बना के इकट्ठा करके रख लेंगे ताकि हम अगले बसंत तो काम करें। हम अगले बसंत की तैयारी कर रहे हैं, इस बसंत की हमारी कोई तैयारी नहीं। तो इतनी ढेर लारा भाई की है तो चरखी इससे उड़ाएंगे पतंगे। ओ धर्राए से काट रहा है लारा भाई पतंगे आज धर्राए से। अब अजान हो रही, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। आवाज़ आ रही है आपको अजान की? कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, चलिए बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर पतंग भी उड़ाएंगे। अम्मी अगर मेरी किसी ने पतंग भी ऊपर डाला ना लगड़,
तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी अड्डे से। मेरे हाथ में एक इक्कीस हजार डंडा पकड़ा खड़ी हो, एक पतंग भी आई। आयशा वो देख उधर, वो देख इधर, किसी की पतंग है। हम भी ऐसे डाल देते हैं डंडा, हम भी डाल दूंगी नहीं पतंग। लड़ाई हो जाए, हो जाए सबकी तबीयत, यही अगली पसंद से बात कर। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मम्मी कह रही मैं ही पतंग लूटू, मम्मी डंडा पकड़ लिया है और लूटी एक नहीं जाएगी, क्योंकि दी तो लूटी नहीं जा रही। देखो नजरे कितनी तेज लग रही, वैसे चश्मा लगाती निगाह का, लेकिन आठ पतंगे बहुत तेज। इतनी बड़ी पतंग तो मिलना चाहिए, कह रही इतनी बड़ी पतंग तो मिलना चाहिए कि दिख जाएगी, इतनी इतनी निगाह कमजोर तो है ना। लेकिन अम्मी डोरी तो नहीं दिखती। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे। भाई जरा सुलझा दियो भाई से, मंजे भी आ गया उसमें। मम्मी आ ऊपर देखो, ऊपर नीचे मत देखो, ऊपर देखो। रुको जरा, सबर करो। अब मैं अपनी थोड़ी ताकत दिखाऊंगी फाइव के साथ टग ऑफ वॉर खेलने। अभी रुकिए, अभी दिखाती हूँ आपको। बंदरों की पगलाई हो रही है, किसी के छत पे थे वो लोग सामान उठा लाए और मुंह पे कवर चढ़ा लिया है। उतर गया उसके कवर। अब वो एक एक और है, एक वो एक और है, वो छत पे से कुछ लेके आया नीचे से किसी घर से। ये तो क्या रही क्या सदर, वो देखो दे। और ये रोटी खा रहा, रोटी ये पेड़ पे चढ़ गया। एक पतंग आई, वो देख ऐसे, वो देख। अरे मम्मी ये तो डंडा मुझसे नहीं उठ रहा, हमने डंडे पे डंडा बांध दिया ताकि हम पतंग लूट सकें। दिख रहा है आपको, यार डंडे पे डंडा, कितना ऊंचा डंडा लग रहा हमारा। ये हमने पतंग लूटने के लिए करी जुगाड़। आई ये बो रही बेटा, बो रही। A few moments later. देख किसी ने, किसी ने अपने घर पे पटाखे चलाए। बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। हम नीचे जा रहे हैं, जोहर से असर, असर से मगरिब की अजान होने लगी है और बहुत लेट हो गया भैया। और नीचे चलते हैं, चलिए नीचे चल के मिलती हूँ आपसे। आपको हमारा बसंत पंचमी सेलिब्रेशन ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब फिर शाम हो गई, मेरी आवाज़ फिर वैसी वैसी होने लगी। बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। Don't forget to subscribe to my channel Crunchbox. Press the bell icon. Bye.